उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर कल यानी 14 फरवरी को मतदान होंगे। इसके लिए चुनाव प्रचार का शोर शनिवार को थम गया है। रविवार को प्रचार के लिए डोर टू डोर पर जोर दिया जा रहा है। इस बार उत्तराखंड के चुनाव में 632 प्रत्याशी मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं और उनकी किस्मत का फैसला 10 मार्च को होगा। अधिक अपडेट के साथ में सहयोगी यशराज आनंद इस वक्त देहरादून से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यशराज, देखिए, जो एक दिन जिसका सभी को इंतजार था, इसके लिए तैयारियां इतने लंबे समय से की जा रही थी, चुनाव का दिन कल आ गया है, किस प्रकार की तैयारियां और कैसा उत्साह बताएं? बिल्कुल जयती, मैं बताना चाह रहा हूं कि 14 फरवरी यानी कल मतदान उत्तराखंड में होना है जी। इसी को लेकर यहां पर सभी पार्टियों ने अपनी सारी तैयारियां पूरी कर चुकी है और यहां पर प्रचार का दौर भी थम चुका है। लोग डोर टू डोर प्रचार कर रहे थे, यहां तक कि उत्तराखंड में जो एक मिथक रहा है कि एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस की सरकार आती है, इसी को तोड़ने के लिए सभी पार्टियों ने जोर लगा दिए। जहां पर कांग्रेस सत्तारूढ़ पार्टी को हटाना चाहती है, वहीं पर भाजपा दोबारा सत्ता में आना चाहती है। जयदीप यशराज, इसके अलावा 632 प्रत्याशी इस बार अपने भाग्य को आजमा रहे हैं, जिसमें कई निर्दलीय भी हैं और कई बागी हुए भी हैं, लेकिन बागी कहीं ना कहीं जिस तरीके से जोड़ तोड़ की राजनीति कर रहे हैं और जो गणित उन्होंने निकाला है, लगातार प्रचार कर रहे हैं और जो एक जन समर्थन भी मिला है, कहीं ना कहीं समीकरण इस बार निर्दलीय और बागी भी बदल सकते हैं, इस पर क्या जानकारी? बिल्कुल जयती, जैसे 632 प्रत्याशी कुल यहां पर अपना उत्तराखंड में भाग्य आजमा रहे हैं, इसी को लेकर इसमें से ही भाजपा, कांग्रेस, कुछ आम आदमी पार्टी, उनमें से लेकर बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्हें उम्मीद थी कि उन्हें टिकट दी जाएगी, लेकिन पार्टी की बेरुखी के कारण उन्होंने अपना अलग रुख कर लिया, यानी वो निर्दलीय चुनाव लड़ने को तैयार हो गए। चूंकि उनके क्षेत्र में उनका काफी दबदबा है, प्रभाव है, इस कारण से चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, सभी को कुछ कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चूंकि उन्हें यह विश्वास था कि इस बार यदि उनके टिकट दिया जाएगा जी, तो वो जरूर पार्टी में जीत हासिल कर सकते हैं। इसके लिए वो जोड़ तोड़ भी उन्होंने किया और इसके साथ ही साथ उन्होंने अपने चुनाव प्रचार में भी काफी जोर लगा दिया। बैनर, पंपलेट, पोस्टर काफी जगह उनका देखा जा रहा है। और बागी प्रत्याशियों की मैं यदि बात करूं तो उनमें बहुत सारे बागी प्रत्याशी ऐसे भी थे जो बागी थे लेकिन बाद में इन्हें पार्टियों के द्वारा मिला लिया गया जी। जयती यशराज, इसके अलावा कल आचार संहिता लगने के बाद जो चुनाव प्रचार का शोर है, जनसभाएं हैं, वो रुक गई, लेकिन अब चूंकि एक दिन का समय शेष रह गया है और डोर टू डोर प्रचार यहां पर करते हुए समर्थक और कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, प्रत्याशी पहुंच रहे हैं, तो किस तरीके से यहां पर जनसंपर्क किया जा रहा है डोर टू डोर के माध्यम से? बिल्कुल, इस बार सबसे पहले तो कोरोना के लेकर भी डोर टू डोर प्रचार को ज्यादा अहमियत दी गई जी। यह कहा गया कि आप कहीं भी प्रचार करते हैं तो 50 की संख्या में आपकी लोगों भीड़ इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, वहीं इसको बढ़ा करके फिर 100 की संख्या कर दी गई। बाद में यह हुआ कि आप डोर टू डोर प्रचार करेंगे। जहां तक डोर टू डोर प्रचार और वर्चुअली प्रचार की बात करें तो सभी पार्टी इसमें जोर शोर से लगाती थी, चाहे वो उत्तराखंड की बात करें या उत्तराखंड से बाहर रह रहे जितने प्रबुद्ध नेता हैं, वो सभी ने वर्चुअल प्रचार के माध्यम से उत्तराखंड के लोगों में प्रचार प्रसार किया। भाजपा ने भी इस प्रचार प्रसार में काफी जोर शोर से आजमाइश की, वहीं कांग्रेस के भी द्वारा वर्चुअल प्रचार की को काफी आगे बढ़ाया गया। आम आदमी पार्टी लेकिन सबसे ज्यादा डोर टू डोर मीटिंग पर ही भरोसा रखी। यूं तो डोर टू डोर मीटिंग में कांग्रेस और भाजपा दोनों ने ही दामन थाना है और डोर टू डोर मीटिंग में काफी ज्यादा सबको सराहना मिल रही है। बिल्कुल, लोगों से जब प्रत्याशी मिल रहे हैं तो अपनी बातों को रख रहे हैं और उनकी समस्याओं को आमने सामने से रूबरू हो रहे हैं और प्रत्याशी के द्वारा यह बताया जा रहा है कि पिछली सरकार ने जो नहीं किया है या जब से उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ है, उत्तराखंड को जितनी व्यवस्था और सुविधा मिलनी चाहिए वह सुविधा नहीं मिली है। हम यदि आप मुझे जीत दिलाते हैं तो वो सारी सुविधाओं जिससे आप वंचित रह रहे हैं उसको पूर्ण कर दिया जाएगा। उत्तराखंड की यदि बात करें तो आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है, वो दिल्ली के मॉडल, दिल्ली के फ्रेम को यहाँ लागू करना चाहती है जी। और वो बार बार कहती है कि उत्तराखंड को यदि आम आदमी पार्टी जिताती है
तो आम आदमी पार्टी के द्वारा दिल्ली में जितना कार्य किया गया था वो कार्य उत्तराखंड में की जाएगी, चाहे वो मुफ्त की बातें हैं, मुफ्त की घोषणा हो, वो सारे केजरीवाल ने कर चुके हैं। और उत्तराखंड में सीएम पद के कर्नल कोठियाल आम आदमी पार्टी के तरफ से जो हैं चेहरे हैं, उन्होंने भी उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के प्रचार पर बहुत ध्यान दिया। उसके बाद यदि बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस के भी द्वारा काफी ज्यादा वर्चुअल रैली, डोर टू डोर मीटिंग की व्यवस्था की जा रही है और लोग मिल रहे हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महिला कांग्रेस अध्यक्ष, महिला कांग्रेस उपाध्यक्ष सभी ने डोर टू डोर मीटिंग करते हुए पाई जा रही है और सभी यह अपने जीत की ओर आश्वस्त हैं। और सभी का कहना है कि इस बार भाजपा की सरकार गिरेगी और कांग्रेस की सरकार आएगी। जहां तक बात भाजपा की जाए तो भाजपा भी डोर टू डोर मीटिंग पर काफी ध्यान दे रही है, क्योंकि वर्चुअल मीटिंग उसकी समाप्त हो चुकी है। वो डोर टू डोर मीटिंग में भाजपा ने काफी ध्यान देते हुए लोगों को बताया है कि चार धाम चार काम जो कांग्रेस बार बार कह रही है, यह उनका एक लोक लुभावन वादा है जो पूरा कभी नहीं होगा। वो हमेशा से कांग्रेस को एक कटघरे में लेकर बोलती है कि चाहे एनएच रोड की बात हो जाए, चाहे उत्तराखंड विकास की बात हो जाए, चाहे कॉरिडोर की बात कर ली जाए, सभी भाजपा ने किया है। चाहे अच्छे विद्यालय, स्कूल की बात की जाए, एम्स की बात की जाए, सभी को भाजपा ने लाया है। इसीलिए दोबारा भाजपा को जिताना है और यदि भाजपा इस बार सरकार सत्ता में आती है तो उन्हें उत्तराखंड को वो स्मार्ट सिटी के रूप में जो उसका दर्जा है वो पूर्ण दर्जा दिला करके यहाँ पर काम करेंगे। जी जी यशराज, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के।